दूध में, हाँ पता नहीं क्या क्या मिला के पिलाते रहते हैं मुझे, तो आज भी दूध में कुछ तो था और ग्लास भी गिर गया और मैं भी गिर गई, दोनों ही गिर गए. तो मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि क्या था दूध में, बट आई थिंक कुछ तो वो जो आया था ना इनके साथ भैरवी जिसको लेकर आई थी उसका किया धरा लगता है मुझे. पर रोशनी कैसे इन्वॉल्व थी वो समझ में नहीं आया, क्योंकि दूध तो रोशनी लाई थी, पर एक्चुअली रोशनी को बेवकूफ़ बना देते हैं लोग. तो आई हैव नो आइडिया क्या डाला था. मतलब दूध पीने से पहले आपको एक बात का यकीनन अंदाज़ा था कि इसमें कुछ ना कुछ है, इसलिए आप काफ़ी परहेज कर रही थी उसको पीने से. हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे ये दूध नहीं पीना चाहिए. दूध आया तब से ही मैं बोल रही थी कि मेरा मन नहीं है, पर बच्चा है, बच्चा ज़िद कर रहा था, उसे बुरा लगता अगर मैं नहीं पीती तो. शक्ति आ गई और मैं पहुंच गई. ये वो सीन किया और उसके बाद ये सीन किया, तो अभी कुछ समझ मुझे ही नहीं समझ में आया कि मतलब ये क्या हुआ. बेहोशी में सपना देख रही हूँ कि मैं आ गई हूँ उसके पास, उसने ही कुछ किया था उसकी वजह से आ गई हूँ, पता नहीं आया. पर जो भी था उसके बाद मैंने वो उनको तो सबक सिखा दिया. तो सबक सिखाने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि जो जो गड़बड़ करते हैं लोग, जैसे भैरवी जी हैं उन्होंने भी शायद आ गया कि नहीं आया सपना देखा था. तो सबको सबक ज़रूर सिखा रही हूँ, चाहे असलियत में सिखा रही हूँ चाहे सपनों में सिखा रही हूँ, बट सबक सिखाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. यही मौका है, यही पता चल रहा है, ऑडियंस को भी पता चल रहा है कि ये सच में सिंगर नहीं बल्कि यू नो माता रानी है. अच्छा, ऑडियंस को पता चल रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता चला. माता रानी का हाथ तो हमेशा से रहा ही है सिमर पर मुझे वाकई ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या है. क्योंकि भाई मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि जो हमारे पास आता है, आज भी कहीं पर भी मैंने ये बोला नहीं है, आज भी मैंने सिर्फ माता रानी के श्लोक बोले हैं. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि संकेत डेफिनेटली इसी तरफ इशारा करते हैं, बट एग्जैक्टली क्या है वो जानने के लिए देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे शाम 5:30 बजे ससुराल सिमर का ऑन कलर्स.